Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड जो कि 15 अगस्त पे सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, दोस्तों इसने आते ही अपनी ताबड़तोड़ कमाई करना चालू कर दिया है। आपको बता दें कि इसने आते ही अपने कई रिकॉर्ड्स नाम कर लिए हैं और ये भी बता दें कि इसने आते ही पहले दिन में ही 29 से 30 करोड़ की एस्टिमेट अर्निंग कर ली है। और आपको ये भी बता दें कि रेस 3 जो कि सलमान खान की बड़ी फिल्म मानी जा रही थी 2018 की, उसको भी इसने पछाड़ दिया है। इसकी आपको बता दें कि रेस 3 ने अपने पहले दिन कमाए थे 29 करोड़ रुपीज़ और ऐसे में गोल्ड ने आते ही उसको धराशाही कर दिया है। सलमान खान को ये देख कर काफ़ी ज़्यादा सलमान खान भी इस रिकॉर्ड को देखकर ज़रूर चौंक जाएंगे क्योंकि सलमान खान के पास 4500 स्क्रीन होने के बावजूद भी वो सिर्फ 29 करोड़ रुपए की ही कमाई कर पाए और इसमें गोल्ड में 3300 स्क्रीन होने के बावजूद इन्होंने 30 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। दोस्तों ये काफ़ी लाजवाब कलेक्शन है गोल्ड का और अक्षय कुमार का। और आपको ये भी बता दें कि अक्षय कुमार को गोल्ड रिलीज़ होने के बाद ही ऑफिशियल भारत कुमार अनाउंस कर दिया गया है। पूरे देश भर में गोल्ड का दिवस मनाया जा रहा है और 15 अगस्त को अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड ने 4 चांद लगाकर सेलिब्रेट किया। और दोस्तों वहीं हम बात करें सत्यमेव जयते की, तो सत्यमेव जयते ने भी अपने पहले दिन 18 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई कर ली है। तो दोस्तों अगर कुल मिला के हम बताएं गोल्ड और सत्यमेव जयते ने तो कम से कम 45 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार कर बॉलीवुड को दिया है। दोस्तों आपका क्या कहना है कि सलमान खान की फिल्म रेस 3 से कैसी अच्छी, तो दोस्तों गोल्ड के रेस 3 को पछाड़ने के बाद आपको क्या लगता है कौन है बॉलीवुड का असली किंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड जंक्शन को क्योंकि यहीं पर मिलेगी आपको बॉलीवुड की हर खबर सबसे पहले।